तो केसीसी कर्ज माफ़ी योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। सभी किसानों का केसीसी ऋण होगा माफ, जल्दी से भरे फॉर्म, क्योंकि कल से शुरू होने वाला है 2-2 लाख रुपए तक की कर्ज माफ़ी का लाभ। साथ ही में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं और 19वीं किस्त के 4-4 हज़ार रुपये होंगे जारी। तो चलिए, क्या है पूरी अपडेट इस वीडियो में हम बात करेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास में बेल घंटे के साथ दबा के नोटिफिकेशन को ऑन करने के साथ ही जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। किसान क्रेडिट कार्ड लोन वाले किसानों की हुई बल्ले बल्ले, क्योंकि आपको बता दें किसान लोन माफ़ी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू। सभी किसानों का जो जिनका कर्ज माफ़ किया जाएगा उनके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। देश के किसानों के लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण माफ़ी का ऐलान कर दिया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि किसानों को ऋण से राहत प्रदान करवाना। जो कृषि के लिए लिया गया ऋण चुकाने में असमर्थ है उन किसानों का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय विभाग द्वारा किसान कर्ज माफ़ी की शुरुआत कर दी गई है। इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे, तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना के लिए आपके पास आवश्यक दस्तावेजों की लिस्ट की हम बात करें तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, भूमि से संबंधित दस्तावेज, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, किसान क्रेडिट कार्ड और बैंक खाता पासबुक और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये डॉक्यूमेंट्स होने ज़रूरी है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया क्या रखी गई है, आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। सबसे पहले कृषि एवं किसान मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। वहाँ पे होम पेज में आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अपनी आवश्यक जानकारी, अपनी डिटेल जो है वो दर्ज करनी है। इसके बाद आपको सभी डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके पोर्टल पर अपलोड करने हैं और उसके बाद फॉर्म को सबमिट करके आपको अपनी पूरी डिटेल चेक कर लेनी है। उसके बाद जैसे आप आवेदन सबमिट करेंगे किसान कर्ज माफ़ी के लिए आपके पास OTP आएगा। OTP दर्ज करके आप फाइनल सबमिट करेंगे और उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही कर्ज माफ़ी की प्रक्रिया शुरू होगी आपको कर्ज माफ़ी के लिए 2-2 लाख रुपए, तो काफ़ी जगह 1-1 लाख रुपए, काफ़ी जगह 50,000 रुपए आपको वहां पे ऑप्शन मिलेगा कितने रुपए तक की आप कर्ज माफ़ी चाह रहे हैं। उसके बाद जाँच होगी, वेरीफिकेशन होगा और उसके बाद आपको कर्ज माफ़ी का लाभ मिलेगा। जैसे ही कर्ज माफ़ी की प्रक्रिया जैसे कर्ज माफ़ी के लिए सरकार द्वारा किसानों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए जाएंगे उसी समय आपको हमारे इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। इसके लिए साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही पास में बेल घंटे के निशान को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन भी कीजिएगा और जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे साथियों जल्दी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।